अभी हम लोग पहुंच गए हैं जोधपुर और अभी अभी आपको लेके चलते हैं पिपोलिया मार्केट। पिपोलिया मार्केट जो है वो काफी फेमस है शॉपिंग के लिए और जो राजस्थान की जो चीजें होती है वो सब आपको वहाँ पे मिलने वाली है। तो मेरे लिए तो आई डोंट नो क्या खरीद सकते हैं, लेकिन बाकी सब जो मेरे साथ में फीमेल्स है उनके लिए काफी एडवांटेज होने वाला है उधर साइड में। तो हमने ये डिसाइड किया है कि रादर देन गोइंग बाय कार हम लोग टुक टुक की सवारी करेंगे। तो अभी हम रिक्शा में पहुंच गए हैं, थोड़ा सा बार्गेन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ अभी हम लोग बैरूबाग करके एक जगह है, वहाँ से हम लोग त्रिपोलिया मार्केट जा रहे हैं और वहाँ पे जो फेयर लगने वाला है आपका कुछ 50 रुपये जो है 50 रुपये में आप आराम से जा सकते। तो ऐसा बोलते हैं घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रस्ते में है उसका घर, लेकिन यहाँ होटल से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मार्केट है। तो मार्केट की शुरुआत हो गई और हमारे आसपास के जो चेहरे हैं वो एकदम खिलने लगे हैं। तो ये जो मार्केट दिख रहा है वो जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर ही एक गर्म कपड़ों का मार्केट है, जहाँ से आप गर्म कपड़े जो हैं वो खरीद सकते हैं। और ये है रेलवे स्टेशन जोधपुर का। और गर्मा गर्म से याद आया कि आपको गर्मा गर्म नाश्ता करना है तो जोधपुर स्टेशन के बाहर निकलेंगे तो गर्मा गर्म कचौरी, मिर्ची वड़ा, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर ही मिल जाएगी और रुकने की सुविधा भी आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। त्रिपोलिया मार्केट जो है वो रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। बेस्ट वे वहाँ जाने के लिए रहेगा रिक्शा। मार्केट है तो बहुत कंजेस्टेड होता है, पार्किंग के लिए वहाँ पे आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलेगा। सो मेरा रिकमेंडेशन है गाड़ी को अपना होटल में पार्क करिए, लोकल रिक्शा लीजिए और लोकल रिक्शा से जो है वो लोकल मार्केट को विजिट करिए। जरूरी सूचना पुरुष हित में जारी है, जब भी आप अपनी मम्मी, वाइफ, बहन, गर्लफ्रेंड, उनको शॉपिंग के लिए जाते हैं तो पेट पूजा जो है वो पहले कर लें, क्योंकि मार्केट में जाने के बाद भाई बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं यहीं से त्रिपोलिया मार्केट की शुरुआत हो रही है। तो चलते हैं अभी त्रिपोलिया मार्केट के अंदर और दिखाते हैं कि आप वहाँ से क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं। जोधपुर बहुत ही फेमस है ट्रेडिशनल ड्रेसेस के लिए, एंटिक्स के लिए, बांधनी के लिए, फुटवेयर्स के लिए। तो यहाँ पे जो शादी होती है तो आपको शॉपिंग करना है तो आप जोधपुर में आके और यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे शादी का आपको हर सामान मिलेगा। भैया जी की स्माइल तो देखो, 2-4 बॉक्सेस तो इनकी स्माइल पे बिक जाएंगे। तो यहाँ पे चूड़ियों की जो शॉपिंग है वो हो रही है। तो जोधपुर में आपको बहुत अच्छी अच्छी जो चूड़ियाँ हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। त्रिपोलिया मार्केट जो है वो दिन में 11 बजे से रात को 8-9 बजे तक खुला रहता है। ऐसा बोलते हैं कि 1894 में रातों रात इस मार्केट का निर्माण करवाया गया था। त्रिपोलिया मार्केट की हिस्ट्री देखें तो महाराजा जसवंत सिंह जो थे उनके समय में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे जो कपड़े हैं वो होलसेल रेट में मिल जाते हैं, स्पेशली जो राजपूताना ड्रेसेस होती है वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और हाँ, बेचने वाले के चेहरे को देखकर जो ड्रेस खरीद रहे हैं उसको ओपन करके भी एक बार चेक कर लें। ये सूचना महिला हित में जारी है।
घूमते घूमते आप थक जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कुकीज, चाट्स वगैरह के काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं पूरे मार्केट में, जहाँ पे आप खा सकते हैं और अपना शॉपिंग का जो है मजा ले सकते हैं। तो यहाँ पे चारों ही दिशाओं में आपको मार्केट ही मार्केट दिख रहा है, मतलब आप ये देखिए लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह जो है आपको दुकानें ही दुकानें दिखेगी और आपको हर तरह की चीज जो है इस मार्केट में मिल जाती है। घूमते घूमते त्रिपोलिया मार्केट से अभी हम लोग पहुंच गए हैं सरदार मार्केट। तो ये जो सामने दिख रहा है वो सरदार मार्केट का गेट है और इसके आसपास भी बहुत सारी शॉप्स है और सरदार मार्केट के यहीं पे घंटाघर भी है। घूमते घूमते आपको यदि नेचर्स कॉल आता है तो यहीं गेट के यहीं पे लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो वॉशरूम है वो भी अवेलेबल होता है। इस मार्केट का जो निर्माण है वो राजा सरदार सिंह ने करवाया था और उन्हीं के नाम पे इस मार्केट का नाम रखा गया है। जो आपको दिख रहा है वो है यहाँ का घंटा घर। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाती है जहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं यदि आप अभी तक थके नहीं है, और इसके आसपास भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। ये घंटाघर में भी आप ऊपर जा सकते हैं और आसपास के जो नज़ारे हैं उसका आनंद ले सकते हैं। इसका एंट्री फीस भी है, एंट्री फीस जो है वो 25 रुपीज़ पर पर्सन इंडियन के लिए, 100 रुपीज़ जो है वो फॉरेनर्स के लिए है। जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 7 to 2 है और आफ्टरनून में 3 बजे से 10 बजे तक जो है ये खुला रहता है। तो आप यहाँ पे आके और घंटाघर में ऊपर जाके और सारे जो आसपास के नज़ारे हैं उसका आनंद ले सकते हैं। ये जो आपको पीछे दिख रहा है वो मेहरानगढ़ फोर्ट है जहाँ पे हम आपको कल लेके जाने वाले हैं। मार्केट में घूमने के बाद में यदि आपके हाथ में बच्चा है तो आपकी भी हालत ये होने वाली है जो मेरी हो गई है। तो ये जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का मार्केट है। यहीं पे नेशनल हैंडलूम करके एक मल्टी स्टोरी शॉपिंग मॉल भी है जहाँ पे आपने जो त्रिपोलिया मार्केट और जो सरदार मार्केट है वहाँ से जो चीज़ें खरीदी वो आपको यहाँ पे भी मिल सकती है, लेकिन थोड़ी कॉस्टली रहेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इनकेस आपकी एनिवर्सरी है और आपने अपनी वाइफ को गिफ्ट नहीं दिया है तो सबसे बड़ा गिफ्ट ये रहेगा कि अपनी वाइफ को जोधपुर मार्केट में लेके आ जाइए। उनको जो खरीदना है वो खरीदने दीजिए, बिकॉज यहाँ पे अच्छे से अच्छी चीज जो है वो बहुत ही सस्ती है। तो दोस्तों अभी बहुत सारी शॉपिंग अभी हमारी हो गई और अभी टाइम है खाने का। तो यहीं नज़दीक में ही जैसे ही मार्केट ख़त्म होता है तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हमको मिल गया है और देख सकते हैं मतलब बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ें जो है, गर्मा गर्म दूध भी यहाँ पे बन रहा है। तो अभी हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि खाने के लिए यहाँ पर क्या क्या है। तो राजस्थान का जो प्रसिद्ध फूड है दाल बाटी, और मेरा सबसे फेवरेट फूड है दाल बाटी, वो हमको यहाँ पे मिल गया है। देख के आपके मुंह में भी पानी आ ही रहा होगा तो आप भी आ जाइए, क्योंकि मैं भी अभी बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी बस खाना है और खाना है, क्योंकि जिस तरह से दिख रहा है तो कंट्रोल अभी कर ही नहीं सकते। और खाने के बाद में इस गर्मा गर्म दूध को कभी मिस मत करना। अभी रात के 10 बज गए हैं और मार्केट बंद होने का समय भी हो गया है कि हम भी अपनी होटल में जाते हैं, आराम करते हैं और कल मिलते हैं आपको मेहरानगढ़ फोर्ट में।
आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो अभी करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो जो है वो आगे भी दिखाता रहूँ। सी यू, गुड नाइट।